हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लास 10 फिजिक्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन माय डियर। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं माय डियर, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों है? क्योंकि अगर ये टॉपिक हमें आता है तो हम इस चैप्टर के रिफ्लेक्शन का कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए माय डियर, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, किसमें? फाइनल एग्जामिनेशन में। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ नेगेटिव कब लेनी है, कोई चीज़ पॉजिटिव कब लेनी है। यानी कहने की बात है, हमें साइन कन्वेंस का पता होना चाहिए। अगर हमें साइन कन्वेंस क्लियर है तो जितना भी पढ़ा हमने पीछे है, जितना भी हमने पीछे पढ़ा है माय डियर, वो सारा का सारा हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ? सो आज का टॉपिक है माय डियर, साइन कन्वेंस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्पेरिकल मिरर। यानी साइन कन्वेंस के बारे में पढ़ेंगे माय डियर। और साइन कन्वेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे एक स्पेरिकल मिरर बना देता हूं। तो देखिए, क्या आप मुझे देख के बता सकते हो ये कौन सा स्पेरिकल मिरर है, कनकेव और कन्वेक्स? क्योंकि दो ही तरह के स्पेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव माय डियर और एक होता है कन्वेक्स। तो देखकर बताइए कौन सा। हम बता नहीं सकते माय डियर। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं पॉलिश किस तरफ है। अगर इसमें पॉलिश किस तरफ कर दी जाए माय डियर, कन्वेक्स सरफेस की तरफ कर दी जाए, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कनकेव। और कनकेव मिरर वो होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ हो? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इस मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ होगा माय डियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगा। दूसरी चीज देखिए, ये हमारे पास एक सेंटर ऑफ द मिरर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन को हम पास करवाते हैं। दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस माय डियर। और उस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है माय डियर, जिसमें कनकेव मिरर पे जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी माय डियर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मर्ज या कन्वर्ज एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। दैट्स व्हाई द कनकेव मिरर इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर माय डियर। लेकिन वहां पे खैर उसको छोड़िए, हम यहां पे साइन कन्वेंस की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे फर्स्ट अजम्पशन है साइन कन्वेंस में, या जैसे दिस इज नेम्ड एज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंस माय डियर, कन्वेंशन, जिसका फर्स्ट हमारे पास रूल होगा माय डियर कि जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हमने कंसीडर की है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसीडर टू बी एन एक्स एक्सिस। किसके इक्विवेलेंट कंसीडर की गई है माय डियर? एक्स एक्सिस के बराबर कंसीडर की गई है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कंसीडर्ड एज एक्स एक्सिस। और इस एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं माय डियर एक्स एंड एक्स डैश से। सो दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज एक्स डैश माय डियर। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्स एक्सिस, जिसको हमने क्या कंसीडर किया माय डियर? एक्स एक्सिस कंसीडर किया है। और जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पढ़ते हैं माय डियर, तो उसमें चार क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। अगर रफली हम बनाएं तो जहां पे हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजन। तो यानी हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें यह पता हो कि यहां पे ओरिजन हम किसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस होंगे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो सारे के सारे हम कहां से मेजरमेंट करते हैं? वो सारे के सारे मेजरमेंट किए जाते हैं माय डियर कहां से? ओरिजन से। तो यहां पे देखिए, जो पोल ऑफ द मिरर है उसको क्या कंसीडर किया गया है? ओरिजन कंसीडर किया गया है। द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर, पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर, पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कंसीडर्ड एज ओरिजन। तो इसका मतलब क्या है?
जितने भी डिस्टेंस होंगे माय डियर, वो कहां से मेजरमेंट किए जाएंगे? पोल ऑफ द मिरर से। तो यानी दिस पोल इज टर्म्ड एज ओरिजिन माय डियर। इसको हमने क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया बेटा। दिस इज ओरिजिन, दिस इज द सेकंड स्टेप माय डियर। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड देखिए हम क्या कंसीडर करेंगे। थर्ड हम कंसीडर करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है माय डियर, ऑब्जेक्ट को अब हम हमेशा किस तरफ प्लेस करेंगे बेटा? ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल। यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ प्लेस करेंगे माय डियर? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल। ऑब्जेक्ट को हमेशा कंसीडर किया जाएगा। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, on the left hand side of pole। यानी origin के किस तरफ consider किया जाएगा my dear? left hand side की तरफ consider किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास light incident होगी किसी भी reflecting surface पे, चाहे वो concave हो चाहे convex हो, वो कहां से आएगी? from left hand side, यानी left से आएगी my dear। it means this is what, this is the direction of propagation of a light। Therefore, this represents the direction of propagation, direction of propagation of light। अब वो पोजिशन हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं माई डियर ऑब्जेक्ट की, चाहे वो फोकस हो सकता है, बिटवीन फोकस एंड पोल हो सकता है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वो डिफरेंट पोजिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। जबकि कन्वेक्स मिरर में तो हमारे पास दो ही पोजिशन आई थी, एक इन्फिनिटी पे थी और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। तो यानी यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ रखेंगे माय डियर? लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो कहां से होगी? लेफ्ट से होगी। देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट किस तरह से मूव करेगी माय डियर? दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अब जो सारे के सारे डिस्टेंस है वो कहां से मेजरमेंट किए जाएंगे माय डियर? पोल से मेजरमेंट किए जाएंगे। ऑल द डिस्टेंसेस, all the distance are measured from pole of the mirror my dear। kahan se measurement kiye jayenge? from the pole of the mirror। yani agar hum yahan pe baat kare, ye origin ho gaya my dear, hame ye pata hai agar ye x axis hai तो एक्स एक्सिस को यानी ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ जो डिस्टेंस होते हैं वो सारे के सारे हम क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव। और जबकि ओरिजिन से जो डिस्टेंस हमारे पास लेफ्ट की तरफ होते हैं उन सभी डिस्टेंसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं माय डियर? नेगेटिव। तो इट मींस ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी ऑल दोज डिस्टेंस विच आर मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट केस हमारे पास किस तरफ आता है माय डियर? टुवर्ड। ये कौन सी पोजिशन होगी? टुवर्ड लेफ्ट, एंड दिस इज टुवर्ड राइट। ये हमारे पास क्या है माय डियर? दिस इज टुवर्ड राइट और टुवर्ड लेफ्ट। देखिए इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं माय डियर। दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ये किस तरफ है माय डियर? लेफ्ट की तरफ है। और जो लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस होते हैं एक्स एक्सिस पे वो कैसे होते हैं माय डियर? नेगेटिव। तो ये हमारे पास टुवर्ड लेफ्ट में कैसे आ जाएंगे माय डियर? नेगेटिव। यानी जितने भी डिस्टेंस हमारे पास क्या होंगे माय डियर? लेफ्ट की तरफ होंगे। वो सारे डिस्टेंस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। जबकि अगर हम किस तरफ कंसीडर करें माय डियर? राइट की तरफ कंसीडर करें, तो यानी टुवर्ड्स राइट वो सारे डिस्टेंस हमारे पास क्या आएंगे माय डियर? पॉजिटिव। वो सारे डिस्टेंस हम क्या कंसीडर करेंगे माय डियर? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इट मींस ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें दो सिचुएशन बनती है माय डियर, दो सिचुएशन हमारे पास क्या है यहां पे? इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं माय डियर, टुवर्ड्स राइट।
कहां से? फ्रॉम द पोल या फ्रॉम द ओरिजन? टुवर्ड राइट फ्रॉम ओरिजन, दैट इज पोल, या पोल लिख के फिर ओरिजन लिख लेते हैं, फ्रॉम पोल. और दूसरा हमारे पास क्या बनता है माय डियर? द डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, कहां से माय डियर? फ्रॉम द पोल, फ्रॉम पोल, दैट इज फ्रॉम ओरिजन. उसको हम क्या कंसीडर करेंगे माय डियर? नेगेटिव. सो दीज डिस्टेंसिस आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव माय डियर. ये डिस्टेंस कैसे कंसीडर किए जाएंगे? नेगेटिव. और ये कंसीडर किए जाएंगे माय डियर? पॉजिटिव. तो यानी जो लेफ्ट की तरफ हमारे पास डिस्टेंसिस होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, और जो राइट की तरफ होंगे वो कैसे होंगे माय डियर? पॉजिटिव. और किसके अलोंग या किसके पैरेलल? ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. किसके पैरेलल माय डियर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. तो इट मींस यहां पे देखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ठीक है. अब हमारे पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कौन कौन से डिस्टेंस हो सकते हैं वो देखिए. ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ प्लेस करेंगे माय डियर? लेफ्ट की तरफ. तो मान लीजिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस और नो? एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. तो इट मींस पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा माय डियर, पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा. यानी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा माय डियर. क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ प्लेस किया जाएगा? लेफ्ट की तरफ प्लेस किया जाएगा. और दूसरी चीज देखिए माय डियर, यहां से समझने की बात है बिल्कुल. इस पोल के इस तरफ देखिए, क्या एक्चुअल में कोई लाइट जा सकती है? नो सर. तो इट मींस यहां पे जो राइट की तरफ जो पोजीशन है वो क्या है हमारे पास? बिहाइंड द मिरर है. और जब बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है, दैट इमेज इज व्हाट? वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज के केस में जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा माय डियर. और जबकि अगर हम रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज इज ऑलवेज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो इसलिए उस केस में वो भी जो डिस्टेंस आएगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, और वो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा माय डियर? नेगेटिव होगा. बिकॉज द रियल इमेज इज ऑलवेज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो दिस इज द पॉइंट माय डियर. उसके बाद बारी आती है. अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे कंसीडर किया, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का साइज कंसीडर करना है, दिस डिस्टेंस इज नॉट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. ये किसके अलोंग नहीं है? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है. दिस डिस्टेंस इज व्हाट? दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो अबो द प्रिंसिपल एक्सिस. सो नेक्स्ट इसके लिए लिखते हैं माय डियर, द नेक्स्ट पॉइंट इज या नेक्स्ट कार्टेशियन साइन कन्वेंस. आई होप आपको ये समझ आया होगा, और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो माय डियर. ऐसी ही वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल. देखिए फिफ्थ पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें, तो फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास क्या आते हैं? डिस्टेंस आते हैं माय डियर. दिस इज परपेंडिकुलर एंड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस. द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एंड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस. तो इस केस में देखिए, जो डिस्टेंस होता है ऊपर की तरफ जो वाई होता है माय डियर, उसको पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे की तरफ जो वाई होता है उसको क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव. तो यानी डिस्टेंस कैसा आएगा माय डियर? पॉजिटिव. द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एंड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव माय डियर, इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. उसको हमेशा किस तरह से कंसीडर करेंगे माय डियर? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. तो यानी जो ऑब्जेक्ट है, दूसरी चीज देखिए, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां प्लेस करेंगे? अबो द प्रिंसिपल एक्सिस. क्योंकि माय डियर हमने 8 केसेस डिस्कस किए, जिसमें से 6 कनकेव मिरर में थे और 2 हमारे पास किस में थे माय डियर? कन्वेक्स मिरर में. और उन 8 केसेस में हर एक केस में आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां प्लेस किया था? अबो द प्रिंसिपल एक्सिस. जबकि जो हमारे पास, याद रखना, जो इमेज बनी थी वो अबो भी बन सकती है और बिलो भी बन सकती है. वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इमेज पे. वो कैसे?
सोचिए, खुद सोचिए। जैसे कनकेव मिरर के केस में हमारे पास एक लास्ट केस था, माय डियर सिक्स्थ, जिसमें ऑब्जेक्ट किसके बीच में था, इट बिटवीन द फोकस एंड द पोल, द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड इरेक्ट इमेज, और इरेक्ट इमेज कहां बनी थी, अबो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस केस में जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या आएगी माय डियर, पॉजिटिव आएगी। जबकि अगर आप रियल इमेज को कंसीडर करोगे तो जैसे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो यहीं पे इमेज बनेगी माय डियर, दिस इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे हम, वो क्या कंसीडर करेंगे माय डियर, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स पॉइंट, द डिस्टेंस perpendicular to and below the principal axis is always taken as negative। हमेशा किस तरह से कंसीडर करेंगे माय डियर, नेगेटिव की तरह कंसीडर करेंगे। सो दीज आर द सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन माय डियर इन द न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो देखिए ये छह पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे माय डियर किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और यहीं पर हम अब मिरर फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं माय डियर। देखिए मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला में देखिए हमें तीन डिस्टेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी माय डियर, एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर। देखिए मिरर फॉर्मूला, अगर मिरर फॉर्मूला की बात करें, मिरर फॉर्मूला माय डियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैग्निफिकेशन का जो टॉपिक है माय डियर वो नेक्स्ट क्लास में वैसे डिस्कस करेंगे हम। तो यहां पे देखिए मिरर फॉर्मूला हमारे पास होता है माय डियर, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। वट इज दिस एफ यू एंड वी, वट इज दिस, यही तो समझने की बात है माय डियर। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं यू, यू यू इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माय डियर। एंड हाउ वी कैन डिफाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर। ध्यान से समझिएगा माय डियर, एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, जो कि हम समझ चुके हैं, and this distance is parallel to principal axis, and this distance is measured toward left, और जो left की तरफ जो distance होगा वो क्या लेंगे my dear, negative। यानी ये जो हमारे पास distance है, this is distance is called u, and how we can define this, this is the distance between the distance of object कहां से बेटा, from the pole of the mirror, और ये जो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, this is parallel to principal axis माय डियर, और ये जो डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, this is parallel to principal axis। सेकंड देखिए हमारे पास v देखते हैं माय डियर, this v is again very important माय डियर, this is called image distance। इसको समझने से पहले देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास u, चाहे कोई भी केस हो माय डियर, चाहे कनकेव मिरर का केस हो, उन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ रखेंगे, लेफ्ट की तरफ, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ रखेंगे तो हमेशा u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। The value of u is always negative. This is always negative, my dear. हमेशा ही क्या आएगी, negative आएगी। अब इस केस में देखिए image distance को हम कैसे cover कर सकते हैं, देखिए किस तरह से define कर सकते हैं।
अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो तो थर्ड पोजीशन है, और थर्ड पोजीशन को फिर से छह बनाना है तो कितना ऐड करोगे, थ्री ऐड करोगे, और थ्री फिर से कहां पे आएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, द इमेज इज फॉर्मड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट दिस इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड माय डियर। एंड दिस डिस्टेंस, यहां पे जो हमारे पास इमेज बनेगी माय डियर, वैसे तो सेम साइज की बनेगी, लेकिन मैं थोड़ा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं तो माय डियर। और यहां पे देखिए, वैसे ये बिहाइंड द मिरर भी बन सकती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माय डियर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वी। इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा माय डियर, वी। तो यहां पे भी देखिए हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस माय डियर। द इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्मड From the pole of the spherical mirror is called image distance beta, and this is measured again parallel to principal axis my dear। इसको मेजरमेंट किया जाता है किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहीं पे देखिए, अगर नेक्स्ट को हम डिफाइन करें एफ, व्हाट इज एफ, एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो ये एफ है माय डियर, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे माय डियर, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस, यानी ये जो हमारे पास आएगी माय डियर फोकल लेंथ, दिस इज द केस, दिस इज फोकस, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजरमेंट करेंगे माय डियर, पोल से मेजरमेंट करेंगे, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो the distance of focus from the pole of the mirror, and this distance is also measured parallel to principal axis my dear। इस डिस्टेंस को भी हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहां से तो हमें क्लियर हो गया कि जो u की वैल्यू है वो तो हमेशा क्या आएगी माय डियर, द वैल्यू ऑफ u इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। हमेशा कहां पे प्लेस करेंगे माय डियर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर पे प्लेस करेंगे। अब देखिए फोकल लेंथ की अगर हम बात करें और इमेज डिस्टेंस की मैं आपको बताऊंगा, तो यानी एफ के साइन की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारे पास कौन सा मिरर है माय डियर, दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज द केस ऑफ कनकेव मिरर, ध्यान से समझिएगा माय डियर। और यहीं पे अगर हम दूसरा मिरर बनाएं माय डियर, दिस इज कन्वेक्स मिरर माय डियर, और जिसमें पोलिस्ट हमने किस तरफ कर रखी है माय डियर, कनकेव सरफेस की तरफ कर रखी है। और यहां पे देखिए सेंटर और पोल से एक लाइन पास होगी माय डियर, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। अब देखिए इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस तरफ है, टुवर्ड राइट है, टुवर्ड राइट जो भी डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे माय डियर, पॉजिटिव। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, हाँ एक डिस्टेंस और मैं बताऊंगा आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर माय डियर, एंड दिस इज फोकस हियर। तो यहां पे देखिए ये जो डिस्टेंस आएगा मेरे पास, दिस डिस्टेंस यानी पोल से हमारे पास जो एफ, जिसको रेड से मैं इंडिकेट कर रहा हूं माय डियर, दिस डिस्टेंस, अब इसमें जो एफ आया है वो किस तरफ आया माय डियर, टुवर्ड राइट, और टुवर्ड राइट होगा तो फोकल लेंथ क्या आएगी इस केस में, पॉजिटिव। तो यानी देखिए कनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ आती है वो आएगी माय डियर नेगेटिव,
और जबकि कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ आएगी वो हमारे पास क्या आएगी माय डियर, पॉजिटिव। क्या आएगी माय डियर, पॉजिटिव। यानी U तो हमारे पास हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कौन सा मिरर हो, कन्वेक्स हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा किस तरफ रखेंगे, लेफ्ट। और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा माय डियर, दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और U इस केस में भी क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज द डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड टुवर्ड लेफ्ट, देयरफॉर दिस वैल्यू इज नेगेटिव माय डियर। ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब इस केस में हमारे पास बच जाता है यू की वैल्यू होगी हमारे पास वी की, सॉरी एफ की वैल्यू होगी। अब बच गई किसकी, वी की वैल्यू। वी की देखिए, वी का देखिए, वी को हम किस तरह से, देखो मैं यहां पे उतना तो मैं बना नहीं सकता दोबारा डायग्राम, लेकिन आप याद रखिए क्या पांच केस थे हमारे पास कनकेव मिरर के केस में जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी थी। वो पांच केसेस कौन कौन से थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड वन, और जो फोर्थ था हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड द फिफ्थ पोजिशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। और इन सभी केसेस में जो इमेज बनी थी रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी माय डियर, रियल एंड इन्वर्टेड, फिर से मैं जोर दे रहा हूं, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल इमेज हमेशा कहां बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और पांच के पांच आप रे डायग्राम को भी देख सकते हो, तो यहां पे देखिए जो इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो इमेज बनी है यानी टुवर्ड लेफ्ट बनेगी। तो उन सभी पांच केसेस में हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन हमारे पास एक छठा केस बच जाता है कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो। तो याद हो तो वहां पे इमेज बनी थी बिहाइंड द मिरर एंड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस, इरेक्ट इमेज बनी थी माइंड, द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड अबो द प्रिंसिपल एक्सिस यानी इरेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द कनकेव मिरर माइंड। तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगा, देखिए उस केस में जो इमेज बनी है वो किस तरफ बनी है, राइट की तरफ बनी है माय डियर। और राइट की तरफ जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी देखिए द इमेज फॉर कनकेव मिरर, वैसे आपने ये इतने जो समझने की बात है माय डियर, ये आपको रे डायग्राम से क्लियर करनी पड़ेगी ये बातें, नहीं तो इतनी कितने याद रखोगे। तो यानी जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी माय डियर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी जब तक हम न्यूमेरिकल को नहीं टच कर पाएंगे, डर लगेगा हमें, लेकिन उसी डर को खत्म करने के लिए वीडियो है माय डियर, समझिए इसको। नहीं समझ आती तो एक बार नहीं दो बार देखिए माय डियर, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए। फॉर कनकेव मिरर हमारे पास एक ही ऐसा केस है, द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव only in case of only when object is placed between focus and pole of the mirror कनकेव मिरर माय डियर, और अच्छा वर्ड है कनकेव मिरर। तो उस केस में जो इमेज डिस्टेंस आएगा माय डियर वो क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। सभी के साइन में लिख देता हूं, यू बताइए क्या आएगा बोलिए, नेगेटिव। एफ बताइए इन केस ऑफ कनकेव मिरर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें, वी हमारे पास क्या आएगा माय डियर, इस केस में सिर्फ इस केस के लिए लिखा मैंने, ऑलवेज नहीं लिखा, पॉजिटिव। तो सिर्फ इस केस के लिखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो माय डियर, फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तो उस वक्त यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जो वी है उसकी वैल्यू क्या आएगी माय डियर, पॉजिटिव आएगी। अब रही बात कन्वेक्स मिरर की, देखिए कन्वेक्स मिरर में मैं लिखूंगा नहीं माय डियर, कन्वेक्स मिरर के केस में देखिए U की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। R F की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। फोकस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, द फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो इमेज बनी थी कन्वेक्स मिरर में दो ही केस थे माय डियर, और उन दोनों केसेस में जो इमेज बनी थी हमेशा बिहाइंड द मिरर बनी थी, डिमिनिश्ड बनी थी,
याद रखिए डिमिनिश बनी थी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी, तो उस केस में जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव, यू की वैल्यू क्या आएगी माय डियर, हमेशा नेगेटिव आएगी। हाँ, यहां पे एक डेफिनेशन मैं भूल गया आपके साथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर माय डियर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मीनिंग मैंने बताया था आपको, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्पीयर एंड दिस स्पीयर हैव अ सेंटर दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी यहां से यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारे पास पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस है माय डियर, दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। एंड हाउ वी कैन डिफाइन दिस, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये भी मेजरमेंट करेंगे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस माय डियर। पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर माय डियर। और यहां पे एक महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके लिए वैसे कंडीशन चाहिए जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वो हायर क्लासेस कौन सी है, 12th क्लास, उसमें पढ़ेंगे हम। देखिए मैं यहीं पे बना देता हूं, द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी माय डियर, आर, कैपिटल आर, और फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, कम होगी। और कितनी कम होगी, मजे की बात है, कितनी कम होगी, इसका हमेशा क्या होता है, ये हाफ होता है। देयरफॉर फोकल लेंथ यानी एफ, दिस इज फोकल लेंथ, इज ऑलवेज, ये कंडीशन होती है माय डियर, दिस इज, इसके लिए कंडीशन चाहिए, लेकिन हम हमेशा याद 10th क्लास में हम यूज कर लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर डिवाइडेड बाय 2, ये रिलेशनशिप याद रखें माय डियर, द फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए वैसे आपको ये थोड़ी ज्यादा लगती होंगी जो ये बातें हमने बताई हैं, लेकिन माय डियर जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये कुछ भी नहीं है, और जब आपको ये बातें आ जाएंगी तो यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे मजे की बात ये है माय डियर कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं रुकेगा आपका, क्योंकि जब तक साइन कन्वेंस क्लियर होगी तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, तो बने रहिए ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।